You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह का स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों हम लोग बीजेटी एज एन एम्पलीफायर कंप्लीट कर चुके हैं, मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि फीडबैक होते हैं दो टाइप के। अब दो टाइप के फीडबैक क्या क्या होते हैं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पहचानोगे कैसे कि पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक? तो पहचानोगे ऐसे कि अगर गेन हो रहा है इंक्रीज फीडबैक देने पे तो है पॉजिटिव फीडबैक, गेन हो रहा है डिक्रीज तो हमारा फीडबैक जो है वो नेगेटिव फीडबैक है। अब गेन अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे पहचानोगे? तो आपको यहां पे अभी हम सैंपलिंग और मिक्सिंग बताएंगे। सैंपलिंग का मतलब है कि आउटपुट से क्या लिया गया, मिक्सिंग का मतलब है इनपुट पे क्या दिया गया। कैसे पहचानते हैं वो हम अभी बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है मिक्सिंग जो है वो इनपुट की तरफ होती है और सैंपलिंग जो है वो आउटपुट से लिया जाता है। तो क्या लिया गया इससे मतलब नहीं, अभी हम बात करते हैं मिक्सिंग की कि फीडबैक में हम क्या दे रहे हैं। तो मिक्सिंग दो टाइप से हो सकती है, या तो वोल्टेज की मिक्सिंग हो सकती है या करंट की मिक्सिंग हो सकती है। तो जिसकी भी मिक्सिंग हो रही है, अगर वोल्टेज की मिक्सिंग होने से इनपुट का ओवरऑल वोल्टेज बढ़ जाता है तो समझ लीजिए पॉजिटिव फीडबैक है, अगर ओवरऑल वोल्टेज इनपुट का कम हो जाता है तो समझ लीजिए नेगेटिव फीडबैक है। करंट की मिक्सिंग होने से अगर ओवरऑल करंट बढ़ जाती है तो पॉजिटिव फीडबैक है, ओवरऑल करंट कम हो जाती है तो नेगेटिव फीडबैक है। अब किस फीडबैक का कहां यूज होता है? पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है हमारा ऑसिलेटर्स में, क्योंकि वहां पे हमें गेन को बढ़ाना पड़ता है। नेगेटिव फीडबैक का जो यूज है वो हमारा होगा फीडबैक एम्पलीफायर्स में। ध्यान रखना, फीडबैक कोई भी फीडबैक में जिस सर्किट में भी फीडबैक दिया गया हो वो अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तभी हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक एम्पलीफायर है, अदरवाइज वो ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे हम समझेंगे कॉन्सेप्ट मिक्सिंग और सैंपलिंग का। तो समझिएगा, सैंपलिंग का मतलब होता है कोई चीज लेना, मिक्सिंग का मतलब होता है देना। लेते हैं हम आउटपुट से और देते हैं हम इनपुट पे। तो लेने का मतलब वैसे ही है जैसे कि हम कोई रीडिंग मेजर कर रहे हो। तो रीडिंग हम मेजर काय से करते हैं, आमीटर से करते हैं या वोल्टमीटर से करते हैं। मिक्सिंग का मतलब है देना, देते हम कैसे हैं, सोर्स लगाते हैं कहीं पे, तो या तो हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे या करेंट सोर्स लगाएंगे। अब आप यहां पे ध्यान करिए कि जब हम एमीटर लगाते हैं तो किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए। जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हम किस में लगाते हैं, शंट में लगाते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। जब हम वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो आप याद कीजिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में लगा रहता है। मतलब वोल्टेज सोर्स की हम बात करेंगे तो किस में, सीरीज में। करंट सोर्स आप याद कीजिए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किस में होता है, पैरेलल में होता है। तो जब हम मिक्सिंग करेंगे तो किस में करेंगे, शंट में। यानी कि नई चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि आउटपुट में सीरीज का मतलब होता है करंट, शंट का मतलब होता है वोल्टेज। मतलब आउटपुट में, अब सीरीज शंट क्या होता है अभी हम सिखाएंगे, आउटपुट में अगर सीरीज है तो आप बोल दोगे कि यहां करंट की सैंपलिंग हो रही है, आउटपुट में अगर शंट है तो आप बोल दोगे वोल्टेज की सैंपलिंग हो रही है। लेकिन अगर इनपुट साइड में मिक्सिंग में सीरीज है तो आप बोलोगे वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है, और इनपुट साइड में अगर शंट है तो आप बोलोगे करंट की मिक्सिंग हो रही है। देखिए ये चार टाइप के आपको फीडबैक एम्पलीफायर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ चारों टाइप के फीडबैक एम्पलीफायर समझने से पहले हम आपको ये लिख दें थोड़ा बड़े अक्षरों में जिससे आपको याद रहे कि मिक्सिंग इनपुट साइड में होती है और सैंपलिंग जो है वो आउटपुट साइड में होती है। मिक्सिंग में वोल्टेज सोर्स का मतलब, वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में। करंट सोर्स में क्या होता है, शंट में। और यहां पे एमीटर किस में होता है, सीरीज में, और वोल्ट मीटर किस में होता है, शंट में। अब देखिए सीरीज और पैरेलल तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए यहां पे ये लाइन गई और ये लाइन गई और सेम ये लाइन भी हो गई, पैरेलल में लग गए दोनों। पैरेलल का मतलब जहां वोल्टेज सेम आए, देखिए जो इसका वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इन दोनों लाइन के बीच में होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इससे कनेक्ट है, ये वाली लाइन इसमें इससे कनेक्ट है। तो ये किस में हुआ, शंट में हुआ। सॉरी, जब देखिए
जो ये लाइन का जो वोल्टेज होगा वही इन दोनों लाइन का वोल्टेज है, तो इसमें ये किसमें कहलाएगा, शंट कहलाएगा। मतलब आउटपुट से हम क्या कर रहे हैं, शंटिंग कर रहे हैं, मतलब सैंपलिंग जो है वो किसकी हो रही है, सैंपलिंग में अगर शंट हो तो क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज। तो हम बोलेंगे यहां पे सैंपलिंग हो रही है वोल्टेज की। मिक्सिंग की बात कीजिए तो देखिए जो वोल्टेज इन दो लाइन के बीच में है वही वोल्टेज इन दोनों लाइन के बीच में है, क्योंकि ये वाली लाइन इससे कनेक्ट है, ये वाली इससे, यानी कि मिक्सिंग भी किसकी हो रही है। अब मिक्सिंग किसकी हो रही है, मिक्सिंग में क्या है, शंट ही यहां पे है, क्योंकि जो वोल्टेज इन दोनों लाइन का है वही वोल्टेज इन दोनों लाइन का। तो शंट पहचानना तो बिल्कुल आसान है, पहली लाइन पहली से जुड़ी हो, दूसरी लाइन दूसरी से, तो शंट है। लेकिन शंट को आउटपुट में बोलते हैं वोल्टेज और इनपुट में शंट को क्या बोलते हैं, करंट। मतलब मिक्सिंग किसकी हो रही है, करंट की हो रही है, सैंपलिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की, मिक्सिंग किसकी हो रही है, करंट की। तो इस एम्पलीफायर का जो नाम होता है वो समझिएगा, इधर पे क्या है शंट और इधर पे क्या है शंट। तो इस एम्पलीफायर का एक तो नाम होता है शंट, शंट एम्पलीफायर, शंट शंट एम्पलीफायर पहला नाम। दूसरा नाम ये होता है कि आउटपुट से क्या लिया, तो आपने देखा क्या लिया, वोल्टेज, वो पहले लिखो। यहां पे देखिए इनपुट का पहले है, आउटपुट का बाद में, लेकिन अब दूसरा नाम की जो तरीका है वो क्या है कि आउटपुट से लिया क्या, वोल्टेज, और उस वोल्टेज को लेके इनपुट में आपने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में दिया, सीरीज में कि शंट में, तो आप बोलोगे शंट में। तो इसका दूसरा नाम है वोल्टेज शंट एम्पलीफायर, ध्यान रखना नाम इनकी, याद रखना बहुत आसान है। पहले में दोनों कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनपुट का पहले आउटपुट का बाद में, दूसरे में क्या है कि कौन सी चीज ली है और वो किस कॉन्फ़िगरेशन में दी। तो जो ली है मतलब पहले सैंपलिंग फिर मिक्सिंग, जबकि यहां क्या है, पहले मिक्सिंग फिर सैंपलिंग, इनपुट आउटपुट। अब आप देखिए यहां पे आउटपुट पे क्या है, वोल्टेज, इनपुट पे क्या है, करंट। तो आउटपुट अपॉन वो इनपुट, तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इसी का तीसरा नाम है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। चौथा नाम जो इसमें है वो चौथा नाम ये है कि इनपुट पे क्या है करंट और आउटपुट पे क्या है वोल्टेज, तो इसी को करंट वोल्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। याद कैसे रखोगे, कब किसको पहले लेना है, बहुत आसान है। जब कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन हो तो पहले इनपुट बाद में आउटपुट, जब करंट वोल्टेज हो तो भी पहले इनपुट बाद में आउटपुट, लेकिन अगर एक हो कॉन्फ़िगरेशन और एक हो वोल्टेज करंट तो फिर इन्वर्ट कर देना है, पहले आउटपुट फिर इनपुट। ऐसे ही ये वाले के लिए क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो इस अकेले एम्पलीफायर में कितनी चीजें पूछी जा सकती हैं, कि सैंपलिंग किसकी हो रही है, आप बोलोगे वोल्टेज की, मिक्सिंग किसकी हो रही है, आप बोलोगे करंट की, नाम क्या है शंट, शंट वोल्टेज, शंट करंट वोल्टेज, और वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है ट्रांस रेजिस्टेंस। इतने टाइप के इसके नाम हो सकते हैं इस फीडबैक एम्पलीफायर के। इस एम्पलीफायर में देखिएगा जो करंट यहां जाएगी, किसी भी सर्किट से जो करंट बाहर निकलती है वही करंट तो अंदर आती है, तो देखिए वही करंट कहां से आ रही होगी, यहां से, यहां से, जो करंट यहां बाहर निकल रही वही करंट तो अंदर जा रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि करंट जो है जो इसमें है वही इसमें है, जब दोनों की करंट सेम होती है तो सीरीज में कहलाते हैं। इसका मतलब आउटपुट जो है वो किस में है, सीरीज में है, और आउटपुट सीरीज में किस में होता है, अमीटर लगाते हैं आउटपुट सीरीज में। मतलब यहां पे अगर हम बोलें कि सैंपलिंग किसकी हो रही, अमीटर मतलब करंट, तो यहां पे सैंपलिंग हो रही है करंट की। मिक्सिंग देखिए आप, यहां पे भी जो करंट यहां जाएगी वही करंट निकलेगी, तो वही इधर आएगी, वही इधर, वही निकलेगी, वही निकलेगी, तो तीनों सभी में करंट सेम है, करंट सेम है, मतलब ये भी क्या है, सीरीज है। और सीरीज अगर इनपुट साइड है तो इनपुट में सीरीज का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स। मतलब मिक्सिंग किसकी हो रही है, यहां पे वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। अब इसके नाम देखिएगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, तो इसका नाम होगा सीरीज, सीरीज एम्पलीफायर, सीरीज सीरीज एम्पलीफायर या सीरीज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। दूसरी बार हम क्या लेते हैं, आउटपुट से सैंपलिंग किसकी हो रही, तो करंट की, और मतलब पहले वोल्टेज करंट में से एक, और फिर दूसरा मिक्सिंग किसकी हो रही, मिक्सिंग काय में हो रही, तो सीरीज में, तो करंट सीरीज एम्पलीफायर। ध्यान रखना कि पहले में क्या था,
कि इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन और आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला पहला नाम है। दूसरे नाम में क्या लेना है हमें कि सैंपलिंग किसकी हो रही, वो वोल्टेज या करंट, और फिर किस कॉन्फ़िगरेशन में हो रही है वो कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा इसका जो नाम होगा वो इधर भी वोल्टेज करंट, इधर भी वोल्टेज करंट। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, वोल्टेज हो रहा है और आउटपुट में आपका क्या हो रहा है, करंट हो रहा है। तो वोल्टेज करंट एम्पलीफायर। और चौथा जो नाम होगा वो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो करंट अपॉन वोल्टेज, तो इसे बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो नाम याद रखना बहुत जरूरी है और इन्हीं को हम बताएंगे कैसे बीजेटी में कैसे पहचानते हैं। इसका नाम देखते हैं, देखिए आउटपुट में तो हमें क्लियर दिख रहा है कि जो करंट यहां जाएगी, जो करंट यहां से जा रही है वही करंट इधर आएगी, तो इधर से आएगी, तो इधर से आएगी, तो इधर से आ रही होगी, इधर से मतलब इधर से करंट सेम है, मतलब आउटपुट में क्या हुआ सीरीज। इनपुट में देखिए जो वोल्टेज इसका है वही वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस है, वोल्टेज सेम मतलब शंट। तो आउटपुट में सीरीज ये बना लिया कीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगी। आउटपुट में सीरीज मतलब अमीटर, अमीटर मतलब करंट, तो सैंपलिंग आउटपुट मतलब लेना होता है, तो सैंपलिंग जो है वो किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। इनपुट मतलब होता है मिक्सिंग, शंट, शंट मतलब इनपुट में करंट ही होता है, तो मिक्सिंग किसकी हो रही, करंट की हो रही है। तो इसका नाम अगर आप लिखोगे तो पहला कॉन्फ़िगरेशन का नाम लिखोगे तो पहले इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन फिर आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया शंट सीरीज एम्पलीफायर। अगर हम ऐसा लिखें कि एक लें वोल्टेज करंट और दूसरा लें कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले आउटपुट का लिया जाता है, तो आउटपुट में हुआ करंट और इनपुट में कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, शंट। इस नाम में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है, करंट शंट एम्पलीफायर भी इसका नाम हुआ। दूसरा अगर हम सिर्फ दोनों में वोल्टेज करंट के ही नाम लें तो करंट करंट एम्पलीफायर, करंट करंट एम्पलीफायर। और चौथा नाम जो है वो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो करंट अपॉन करंट क्या हो जाएगा, करंट एम्पलीफायर। करंट अपॉन करंट क्या होता है, करंट एम्पलीफायर मतलब करंट गेन। चौथा हम एम्पलीफायर देखें, फीडबैक एम्पलीफायर। बस ध्यान रखना इन चारों में कंडीशन, पहले आपको ये चेक करना है कि फीडबैक नेगेटिव है कि नहीं, फीडबैक नेगेटिव चेक करना हम बताएंगे, उसकी भी हम बहुत अच्छी ट्रिक बता देंगे। यहां पे देखिए जो वोल्टेज इन दोनों के बीच में है वही वोल्टेज इन दोनों के बीच में है, मतलब ये तो हो गया शंट। और आउटपुट में शंट का मतलब है कि सैंपलिंग जो है वो किसकी हो रही है, आउटपुट में शंट मतलब सैंपलिंग हो रही है वोल्टेज की। अब यहां से देखिए इनपुट में जो करंट यहां जाएगी वही यहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां, मतलब इनपुट में है करंट इक्वल, सॉरी इनपुट में करंट इक्वल हो रही, मतलब ये क्या है सीरीज है, और सीरीज इनपुट में सीरीज का मतलब होता है वोल्टेज। ध्यान रखना ये मत सोचना कि यहां करंट इक्वल हो रही है तो सीरीज का मतलब करंट है, करंट इक्वल जब होती है दो सर्किट में तो वो सीरीज में कहलाते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन है सीरीज। इट डजंट मीन कि यहां मिक्सिंग करंट की हो रही है, मत सोचना करंट इक्वल भली है लेकिन मिक्सिंग करंट की नहीं हो रही। जब दो रेजिस्टेंस में करंट इक्वल होती है तो वो सीरीज में कहलाते हैं, जब दो रेजिस्टेंस के वोल्टेज इक्वल होते हैं तो वो पैरेलल में कहलाते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए हमें करंट और वोल्टेज मेजर करना होता है। तो ये हो गया सीरीज। अब आप देखिए कि मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो सीरीज इनपुट में, सीरीज का मतलब होता है वोल्टेज, मतलब मिक्सिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। तो यहां पे अब नाम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो पहले ये आएगा सीरीज शंट एम्पलीफायर। दूसरा नाम अगर हम देखें तो पहले वोल्टेज आउटपुट वाला, वोल्टेज और फिर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट वाला सीरीज एम्पलीफायर, मतलब हमने आउटपुट से लिया वोल्टेज और इनपुट में सीरीज में दे दिया। तीसरा नाम जो होगा वो पहले इनपुट का फिर आउटपुट का, तो आप बोलोगे वोल्टेज, वोल्टेज एम्पलीफायर। याद रखने वाली चीज ये है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन ही दोनों ले रहे हैं तो पहले इनपुट फिर आउटपुट, दोनों अगर वोल्टेज करंट ही ले रहे हैं तो भी पहले इनपुट फिर आउटपुट, लेकिन एक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है और एक वोल्टेज करंट ले रहे हैं तो पहले आउटपुट फिर इनपुट, उल्टा होता है। और एक और चौथी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हो रहा है, तो आउटपुट में भी वोल्टेज है इनपुट में भी वोल्टेज है, तो सीधा वोल्टेज एम्पलीफायर या वोल्टेज गेन एम्पलीफायर। तो ये तो हो गए चार टाइप के नाम के, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एम्पलीफायर है तो वो उसका नाम क्या होगा। तो देखिए बॉक्स के रूप में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो, बहुत बहुत आसान है, लेकिन वो इतने चालाक रहते हैं वो क्वेश्चन इन बॉक्स के रूप में देंगे ही नहीं।
वो आपको क्वेश्चन देंगे बीजेटी में, और बीजेटी जो है आपको पता है उसके तो 3 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल तो होते ही नहीं है, तब आप कैसे पहचानोगे? तब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बीजेटी बनाते हैं तो बीजेटी में एक टर्मिनल कॉमन होता है। मान लीजिए हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें ये वाला टर्मिनल कॉमन होगा, तो इसी को आप आउटपुट वाला भी माने और इसी को इनपुट वाला भी माने। तो देखिए ये 2 आउटपुट के हो गए और ये 2 इनपुट के हो गए। अब आप ये कैसे पहचानोगे? देखिए वहां पे तो जो हमने बॉक्स बनाए थे वहां ये देखना बहुत आसान हो रहा था कि सीरीज है या शंट है, देख के ही पहचान ले रहे थे। दोनों लाइन अगर एक लाइन एक से कनेक्ट है दूसरी लाइन दूसरे से तो शंट होता था, और एक लाइन इससे कनेक्ट है और यहीं बीच में ब्रेक है और दूसरी भी यहीं पे कनेक्ट है तो सीरीज हो रहा था। तो ब्लॉक जब बना है तो सीरीज और शंट हमें पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन बीजेटी अगर बना है तो डायरेक्ट हम ये बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि यहां मिक्सिंग किसकी हो रही है और सैंपलिंग किसकी हो रही है। देखिएगा ट्रिक बताते हैं। पहचानने का तरीका ये होता है कि आप पहले ये पता कर लो कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जैसे ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो कंफर्म है इनपुट वोल्टेज कहीं यहाँ होगा और आउटपुट वोल्टेज कहीं यहाँ होगा, एक हम सर्किट बना के बताएंगे। अब आप ये देखो कि अगर मान लीजिए फीडबैक यहाँ से आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ जो करेंट आएगी या इससे जो करेंट जाएगी तो इस करंट पे इनपुट करंट या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब अगर ये नहीं होता तो कुछ करंट जा रही होती, अब ये कनेक्ट हो गया तो या तो करंट अगर नीचे को आ रही होगी तो बढ़ जाएगी, ऊपर को जा रही होगी तो घट जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये फीडबैक एम्पलीफायर होगा तो वो नेगेटिव ही होगा फीडबैक, मतलब करंट जा रही होगी मतलब करंट घटेगी। आपको अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पहचानना है, अगर फीडबैक एम्पलीफायर है तो आप मान के चलो नेगेटिव फीडबैक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जिस टर्मिनल पे इनपुट दिया गया है उसी टर्मिनल पे फीडबैक कनेक्ट है तो कंफर्म है कि मिक्सिंग जो है वो करंट की हो रही है। याद कर लीजिए मिक्सिंग जो है वो करंट की हो रही है, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद करना है। तो नॉर्मल सी बात है कब, जब इनपुट वाले टर्मिनल पे फीडबैक दिया जाए तो मिक्सिंग किसकी हो रही है, करंट की। अगर दूसरे टर्मिनल पे, अब इनपुट में 2 ही तो टर्मिनल है, एक तो ये टर्मिनल है एक ये है, तो अगर इस टर्मिनल पे ना दिया जाए फीडबैक दिया जाए, मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन बना के बताएंगे, नीचे वाले पे दिया जाएगा अगर, तो हम बोलेंगे कि मिक्सिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। तो ये तो हो गया मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है। जिस टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज दिया गया है उस पे अगर डायरेक्ट फीडबैक आ रहा है तो करंट की मिक्सिंग, अगर उसके अलावा कॉमन वाले पे जा रहा है, कॉमन वाला टर्मिनल जो है, तो वोल्टेज की मिक्सिंग हो जाएगी। सैंपलिंग की अगर बात करें, सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। जहां पे आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं वहीं से फीडबैक दे दें, दैट मीन सीधी सीधी बात है कि वोल्टेज दे रहे हो आप, तो यहां पे सैंपलिंग किसकी होगी, वोल्टेज की। ध्यान रखना आउटपुट टर्मिनल वाले से अगर लेते हैं तो वोल्टेज की सैंपलिंग, लेकिन इनपुट वाले पे देते हैं तो करंट की मिक्सिंग, उल्टा है जैसे वहां पे हो रहा था सीरीज और शंट में। और अगर कॉमन वाले पे दे, कॉमन वाले, देखिए आउटपुट वाले से फीडबैक लिया तो वोल्टेज की सैंपलिंग, लेकिन इससे ना लेके अगर कॉमन वाले से लेते तो फिर करंट की सैंपलिंग होगी। तो ये बहुत आसान है, इतना भर आप तो सिर्फ एक चीज याद रख लीजिए, ये 2 चीजें तो ऑपोजिट में हो जाएंगी। इनपुट वाले टर्मिनल पे अगर फीडबैक आया है तो करंट की मिक्सिंग, आउटपुट वाले टर्मिनल से फीडबैक गया है तो वोल्टेज की सैंपलिंग। अब उल्टा हो जाएगा, अगर कॉमन पे फीडबैक आया है, देखिए इनपुट पे आता तो करंट की मिक्सिंग, कॉमन पे आता तो वोल्टेज की मिक्सिंग, आउटपुट वाले टर्मिनल से जाता अगर फीडबैक तो वोल्टेज की सैंपलिंग, कॉमन वाले पे जाएगा तो करंट की सैंपलिंग। तो ये सैंपलिंग और मिक्सिंग बहुत आसान है पहचानना, अभी हम क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह भी पहचानना है कि नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है, वो भी हमें पहचानना आना चाहिए। तो वो तो हम पहचानेंगे, एक दो क्वेश्चन पहले इसके कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आउटपुट है, ये इनपुट वोल्टेज है, और यहां पे एक फीडबैक दे दिया, यहां पे एक फीडबैक दे दिया, ये VCC और बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई होंगी। आपसे पूछा जाएगा इसमें सैंपलिंग बताओ, मिक्सिंग बताओ और इसका नाम भी बताओ, सारी चीजें हमें बताना है। हमें फिर से वही चीज लिख के रख लेना है कि मिक्सिंग और सैंपलिंग, क्योंकि उसका बहुत महत्व है। मिक्सिंग और सैंपलिंग, देखिए सैंपलिंग का मतलब है एमीटर से मेजर करोगे या वोल्टमीटर से। एमीटर लगाया जाता है सीरीज में, वोल्टमीटर लगाया जाता है शंट में, ये ट्रिक है। मिक्सिंग का मतलब है देना, देते क्या है, या तो हम वोल्टेज सोर्स देंगे या करंट सोर्स देंगे। वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगा रहता है, और करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो शंट में लगा रहता है। ये लिख लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने ट्रिक क्या बताई थी आपको, ये ट्रिक बताई थी कि इनपुट वाले टर्मिनल पे अगर फीडबैक दिया गया हो, इनपुट वाले टर्मिनल पे, दैट मीन्स कि जो मिक्सिंग है
वो करंट की हो रही है, और वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज वाले टर्मिनल से अगर फीडबैक लिया गया हो तो सैंपलिंग जो है वो किसकी हो रही है, वोल्टेज की हो रही है। और अगर कॉमन टर्मिनल की बात करें, कॉमन टर्मिनल पे फीडबैक दिया गया है तो नॉर्मल सी बात है यहां करंट थी तो यहां क्या हो जाएगी, वोल्टेज। कॉमन टर्मिनल से लिया जाए तो यहां वोल्टेज था तो यहां क्या हो जाएगा, करंट। बहुत आसान है। अब यहां पे आप देखिए फीडबैक दिया किस पे गया है, इनपुट वाले पे, दैट मींस मिक्सिंग तो हो रही है करंट की। फीडबैक लिया किससे गया है, आउटपुट वाले से, दैट मींस सैंपलिंग हो रही है वोल्टेज की। तो यहां पे एक नाम तो सीधा सीधा हो गया, करंट वोल्टेज एम्पलीफायर। देखिए वहां पे कॉन्फ़िगरेशन पहले मिलती थी, यहां पे करंट वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। अब इनपुट में करंट का मतलब होता है शंट, तो ये हो जाएगा शंट, और आउटपुट में वोल्टेज का मतलब होता है शंट, तो ये भी हो जाएगा शंट, तो शंट शंट एम्पलीफायर। दूसरा नाम क्या होता है कि आउटपुट वाली सैंपलिंग ले लो तो वोल्टेज, और इनपुट वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लो तो शंट एम्पलीफायर। चौथा नाम होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, तो इसका नाम है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो ये नाम पहचानना बहुत आसान है। अब आप ये देखिए इसमें फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे पहचानते हैं, तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है। पहले बीजेटी में आप ये मान के चलिए चलिए कि बेस करंट है इनपुट, जब बेस करंट इनपुट है तो कलेक्टर करंट भी इन होती है, क्योंकि बेस और कलेक्टर करंट एड होके ही क्या बनती है, एमीटर करंट बनती है। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि फीडबैक अगर इससे लिया गया है तो इस करंट को फॉलो करेगी ये वाली करंट। फीडबैक कहां से लिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक अगर इससे लिया गया है तो इस करंट को फीडबैक फॉलो करेगा, फीडबैक अगर यहां से लिया जाता तो इस करंट को। देखिए ये करंट कैसी आ रही, ऐसी आ रही, दैट मींस फीडबैक की करंट आपको ऐसी लेना पड़ेगा, जो इस करंट की डायरेक्शन होगी वही फीडबैक करंट की डायरेक्शन होगी। अगर फीडबैक यहां से इधर दिया जाता तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, तो फीडबैक करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती। तो ये चीज ध्यान रखना है कि फीडबैक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डिसाइड होगी या तो कलेक्टर करंट से या एमिटर करंट से, डिपेंड करता है कि कहां से फीडबैक दिया गया है। तो अब आप देखिए ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, यहां से कुछ करंट आ रही थी, अगर ये नहीं होती तो पूरी करंट चली जाती, लेकिन ये है, दैट मीन्स कुछ करंट ऊपर चली गई, मतलब इनपुट की करंट क्या हो गई, कम। तो हमने बताया था कि जिसकी मिक्सिंग हो रही हो, यहां मिक्सिंग किसकी हो रही है, देखिए करंट की, जिसकी मिक्सिंग हो रही हो वो वैल्यू अगर कम हो जाए तो फीडबैक नेगेटिव है, अगर वो वैल्यू बढ़ जाएगी तो फीडबैक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं और चेक करते हैं। देखिए हर फीडबैक सर्किट जो है, हर फीडबैक सर्किट जरूरी नहीं है कि वो एम्पलीफायर हो, कुछ फीडबैक सर्किट हो सकता है ऑसिलेटर बन जाए। जैसे कि अगर हम ये सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में हम देखेंगे कि बेस करंट हमारी ये जाएगी तो कलेक्टर करंट ऊपर से आएगी, दैट मींस एमिटर करंट नीचे को जाएगी, क्योंकि बेस और कलेक्टर एड होके एमिटर बनती है और एमिटर करंट को फॉलो करेगी फीडबैक। तो ये देखिए आ रही है, यहां से बेस करंट आ रही है, अगर ये नहीं होती तो बेस करंट यही यही होती। अब चूंकि और कुछ करंट आ गई, मतलब बेस करंट बढ़ गई, दैट मींस ये पॉजिटिव फीडबैक है, मतलब ये फीडबैक एम्पलीफायर नहीं है। ये सर्किट अगर हम इसका यूज करेंगे तो इसकी सहायता से हम ऑसिलेटर तो बना सकते हैं लेकिन फीडबैक एम्पलीफायर नहीं बना सकते। अब हम यहीं पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन कैसा लिया हमने, एक हमने कुछ इस टाइप से क्वेश्चन ले लिया, और आपसे यहां पे इस क्वेश्चन में, यहां से नहीं, यहां पे कनेक्ट कर दिया, आपसे पूछ लिया कि पहले तो इसमें यहां पे सारी सप्लाई कनेक्ट होंगी, हम सप्लाई नहीं लगा रहे हैं, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। आपसे पूछा है कि पहले तो आप ये बताइए इसमें किसकी मिक्सिंग हो रही है, किसकी सैंपलिंग हो रही है। तो आप देखिए जिस पे इनपुट है वहीं पे फीडबैक दिया गया, और इनपुट पे अगर फीडबैक दिया जाए तो मिक्सिंग तो होती है करंट की, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि करंट की मिक्सिंग है। आउटपुट है यहां लेकिन फीडबैक दिया गया है कॉमन से, लिया गया है कॉमन से, तो अगर आउटपुट वाले से लिया जाता तो वोल्टेज की सैंपलिंग होती, लेकिन कॉमन वाले से लिया गया है, कॉमन वाले से लिया गया है मतलब सैंपलिंग किसकी है, करंट की, दैट मींस यहां सैंपलिंग तो हो गई किसकी, करंट की। कई बार यही पूछा जाता है कि इसमें मिक्सिंग किसकी हो रही है और सैंपलिंग किसकी हो रही है, तो सैंपलिंग और मिक्सिंग हमने समझ ली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक नाम तो सीधा सीधा करंट,
करंट एम्पलीफायर हो गया। दूसरा नाम क्या होगा, इनपुट में करंट का क्या मतलब होता है, शंट, ये हो गया शंट। आउटपुट में करंट का क्या मतलब होता है, आउटपुट में करंट का अमीटर, करंट का मतलब होता है सीरीज, तो ये हो गया सीरीज एम्पलीफायर। अब दूसरा नाम क्या, एक और तीसरा नाम क्या है कि सैंपलिंग जिसकी हो रही है उसको पहले लिखो करंट, और इनपुट वाले की कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटपुट से करंट लिया और शंट में दे दिया, तो एक ये नाम हो गया करंट शंट एम्पलीफायर। चौथा नाम होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, तो करंट अपॉन करंट, तो सिंपली करंट एम्पलीफायर। लेकिन ये सब तब होगा जब फीडबैक होगा निगेटिव, ये सब गलत हो जाएगा अगर फीडबैक निगेटिव नहीं है। तो चेक करते हैं फीडबैक निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो आप देखो ये करंट कैसी जाएगी, इनपुट बेस करंट जो है वो बीजेटी की तरफ जाएगी, तो सिमिलरली उसकी कलेक्टर करंट जो है वो कहां की तरफ आएगी, किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। यहां से भी करंट क्या होगी, आएगी, सारी करंट्स कलेक्टर की तरफ आना चाहिए, जब फीडबैक लगा था तो वो भी कलेक्टर की तरफ आ रही थी, दैट मींस इसकी बेस करंट क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। ध्यान रखना बेस करंट और कलेक्टर करंट का जो पाथ है वो सेम होता है, मतलब दोनों या तो इनपुट अंदर की तरफ आएंगी या बाहर, तो अगर इसकी बेस करंट बाहर गई तो इसकी बेस, इसकी कलेक्टर करंट भी क्या जाएगी, बाहर। यहां देखिए बेस करंट आ रही थी तो कलेक्टर करंट भी आ रही थी, बेस करंट जा रही है तो कलेक्टर करंट भी जा रही है, दैट मींस एमिटर करंट की जो रास्ता है वो क्या होगा, इनकमिंग, क्योंकि एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर। कोई सोचेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो होने लगी, तो ये एसी सिग्नल के एक साइकिल की करंट है, एक्चुअल में बायसिंग तो आपकी लगी ही होगी। देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए ये एसी है, तो इसमें आप बोलोगे एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव, लेकिन इसी में कुछ डीसी ऐड कर दें तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो चाहे ये पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव, दोनों ही केस में सेम डायरेक्शन होगी, तो बायसिंग यहां पे काम कर रही है, तो वो ध्यान रखिएगा कि जब यहां पॉजिटिव साइकिल होगा उस केस में इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव साइकिल, लेकिन दोनों केस में ओवरऑल करंट तो ऊपर से नीचे ही आएगी, लेकिन हम सिर्फ एसी वाली कंसीडर कर रहे हैं। तो ये करंट देखिए, अब जो एमीटर की करंट होगी वही फीडबैक फॉलो करेगा, तो एमीटर जा रहे ऊपर मतलब फीडबैक की करंट एसी होगी, दैट मींस ये करंट एसी जा रही है, दैट मींस ये करंट एसी आ रही है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर ये नहीं होता तो पूरी बेस करंट अंदर जानी थी, अब ये है तो कुछ और करंट नीचे जा रही, मतलब बेस करंट जो है वो कम हो गई, दैट मींस फीडबैक कैसा है, नेगेटिव फीडबैक हमें मिला, तो ये नेगेटिव फीडबैक तो है ही, और फिर अगर नेगेटिव फीडबैक है तब हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करना है। एक और सर्किट देख लेते हैं यहीं पे, अगर हम इस सर्किट में ये फीडबैक यहीं दे देते, अब आपसे पूछते कि ये फीडबैक नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगा तभी हमें वो नाम देखना है, तो यहां पे अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे, ये बेस करंट गई तो ये कलेक्टर करंट आई, कलेक्टर करंट पे जितने भी टर्मिनल होंगे सारे इनकमिंग होंगे, ये इनकमिंग है तो ये भी इनकमिंग, अब ये बेस करंट आउटगोइंग होगी तो इसकी कलेक्टर करंट भी क्या होगी, आउटगोइंग, तो बेस और कलेक्टर आउटगोइंग, तो एमिटर क्या होनी चाहिए, इनकमिंग, तो एमिटर पे जितने भी टर्मिनल जुड़े हैं सब इनकमिंग होंगे, तो ये सब क्या होंगे, इनकमिंग, दैट मींस यहां जो करंट है वो कहां से आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ चली जा रही है ये करंट। अब यहां पे देखिए, जब ये फीडबैक नहीं था तब ये था VVE वोल्टेज, और VVE इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या था, VI, क्योंकि VI जो है वो ये है और यहीं पे ग्राउंड होता, अगर ये वाला टर्मिनल नहीं, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं होता और ये फीडबैक नहीं दिया होता तो सीधा सीधा जो ग्राउंड होता VI इज इक्वल टू VVE होता। लेकिन अब देखिए, मतलब पहले VVE की वैल्यू कितनी थी, VI के बराबर थी, लेकिन अब जरा देखिए VI की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये करंट नीचे से ऊपर जा रही, दैट मींस नीचे होगा प्लस ऊपर होगा माइनस, तो इसके अक्रॉस कुछ तो वोल्टेज होगा जिसे हम फीडबैक वोल्टेज बोल देते हैं, VF फीडबैक वोल्टेज। और अब आप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ चलिए तो पहले मिलेगा प्लस V ऑफ F, फिर मिलेगा माइनस VB और फिर मिलेगा प्लस VI और लूप कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां से VBE की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, VI प्लस V ऑफ F, दैट मींस जैसे वहां पे हम देखते थे बेस करंट, ऐसे यहां पे आप देखेंगे VVE वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ा, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले VVE वोल्टेज था VI के बराबर, अब VVE वोल्टेज क्या हो गया है, VI प्लस VF हो गया है, VI प्लस VF हो गया है, दैट मींस वोल्टेज इंक्रीज हो गया, दैट मींस ये पॉजिटिव फीडबैक का सर्किट है। तो अब हर बार आप ये KVL लगा के करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको कैलकुलेट करने में, कई बार गलती कर दोगे, तो हम सीधी ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये प्लस माइनस और माइनस प्लस ऑर्डर चेंज हो गया, दैट मींस पॉजिटिव फीडबैक, अगर यही ऐसा आ जाता
प्लस माइनस, प्लस माइनस तो हम बोल देते नेगेटिव फीडबैक। अगर ऑर्डर चेंज ना हो तो नेगेटिव फीडबैक, ऑर्डर चेंज हो जाए तो पॉजिटिव। तो चूंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव फीडबैक में अब हमें एम्पलीफायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक सर्किट और देखते हैं, मान लीजिए ये सर्किट बन गया। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव। देखिए यहां से करंट जाएगी तो कलेक्टर से भी आएगी, दैट मींस कलेक्टर पे जितने हैं सब इधर की तरफ आएंगे। अब इसकी बेस आउटगोइंग हो गई तो कलेक्टर भी आउटगोइंग, मींस ये भी आउटगोइंग। ये जब आउटगोइंग इन, अब इस बीजेटी के लिए ये बेस करंट इनकमिंग है तो कलेक्टर करंट भी इनकमिंग, और दोनों जुड़ के एमिटर करंट बाहर, दैट मींस फीडबैक की तरफ, फीडबैक की तरफ, फीडबैक की तरफ। ये इसमें फीडबैक में जो करंट होगी वो ये दिखाएगी। तो अब देखिए जहां से करंट इन हुई वो प्लस, ये माइनस, ये हो गया V of F, फीडबैक वोल्टेज। ऑर्डर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, हमने बोला ऑर्डर अगर ऐसा आ जाए प्लस माइनस तो कंफर्म है नेगेटिव फीडबैक। अगर आपको डाउट आता है KVL लगा लीजिए, तो आप देखोगे माइनस VI इधर से जा रहे हैं, प्लस VV और प्लस V of F दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप देखोगे VV इज इक्वल टू VI माइनस V of F, दैट मींस जो VV वोल्टेज है, बेस टू एमिटर वोल्टेज है, वो क्या हो गया, पहले VI था जब ये नहीं था, अब कितना V of F कम हो गया, दैट मींस कंफर्म ये फीडबैक तो है नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक पहचानना हम सीख गए। अब इसका नाम देखते हैं, नाम में देखिए क्या फीडबैक इनपुट वाले टर्मिनल पे दिया गया है, नहीं दिया गया। अगर इनपुट वाले पे दिया जाता तो करंट की मिक्सिंग होती, कॉमन वाले पे दिया गया मींस मिक्सिंग तो यहां पे हो रही है किसकी, वोल्टेज की। क्या फीडबैक आउटपुट, ये आउटपुट है आपका, क्या फीडबैक आउटपुट वाले टर्मिनल से लिया गया, नहीं लिया गया। अगर आउटपुट वाले टर्मिनल से फीडबैक लिया गया होता तो सैंपलिंग होती वोल्टेज की, आउटपुट वाले से नहीं लिया गया, कॉमन वाले से लिया गया, दैट मींस यहां पे सैंपलिंग जो होगी वो करंट की होगी। एक नाम तो हो गया आपका इसका वोल्टेज करंट एम्पलीफायर, दूसरा नाम इनपुट पे वोल्टेज, इनपुट पे वोल्टेज मींस सीरीज, आउटपुट पे करंट, आउटपुट पे करंट मतलब अमीटर, ये भी सीरीज, तो ये हो गया सीरीज सीरीज एम्पलीफायर। एक और नाम में आउटपुट से क्या लिया, करंट लिया, इनपुट में किस कॉन्फ़िगरेशन में दे दिया, सीरीज में दे दिया, तो करंट सीरीज एम्पलीफायर। और एक और नाम करंट अपॉन वोल्टेज, ये हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो ये तीसरा एम्पलीफायर भी हमने इसमें समझ लिया। चौथा एम्पलीफायर और देख लेते हैं, ये वाला सर्किट देखिए, यहाँ पे देखिए ये बेस करंट इनपुट हुई तो कलेक्टर करंट भी इधर, ये करंट भी इधर, सारी करंट एक अंदर की तरफ। यहाँ पे बेस करंट आउट है तो ये करंट भी आउट होगी, ये करंट आउट हो रही मतलब ये भी आउट होगी, सारी कलेक्टर करंट आउट, तो ये भी आउट, ये भी आउट, तो ये इधर, जहां से करंट इन हुई वो प्लस, ये माइनस, ये हो गया वी ऑफ एफ, ये प्लस माइनस वी वी, ये प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, आप KVL भी लगाओगे तब भी देखोगे प्लस माइनस आ गया, मतलब कंफर्म है ये नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। तो इसको एम्पलीफायर के नाम हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनपुट पे अगर फीडबैक देते तो करंट की मिक्सिंग होती, लेकिन इनपुट पे नहीं दिया, कॉमन वाले पे दिया, दैट मीन्स मिक्सिंग तो है यहाँ पे वोल्टेज की, तो वोल्टेज की तो हो गई यहाँ पे मिक्सिंग। आउटपुट से जो आउटपुट है वहीं से हमने फीडबैक लिया है, आउटपुट से फीडबैक लेते हैं तो सैंपलिंग जो है वो किसकी होती है, वोल्टेज की, तो वोल्टेज की ही मिक्सिंग, वोल्टेज की ही सैंपलिंग। तो एक नाम तो हो जाएगा वोल्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा इनपुट में वोल्टेज मतलब सीरीज, आउटपुट में वोल्टेज मतलब वोल्टमीटर मतलब शंट, तो वोल्टेज शंट एम्पलीफायर। तीसरा नाम कि आउटपुट से वोल्टेज लिया और इनपुट में सीरीज में दे दिया तो वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर, और चौथा नाम आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज अपॉन वोल्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर। तो इस तरीके से हम फीडबैक एम्पलीफायर की नेमिंग कर सकते हैं और सैंपलिंग और मिक्सिंग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोज नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोग शेयर कीजिए, बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। कभी भी रेंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर और वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोज की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट करके किसी चैनल को विजिट कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।